साथियों, हम लोग एग्जाम मास्टर का आपका परिवार आ चुका है। अभी केवीएस पीआरटी का पहले शिफ्ट का पेपर अभी कंप्लीट हुआ है और पहले शिफ्ट के पेपर में बच्चों से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा जो है। पहले तो भैया आप लोग बैग वैग लेते रहो और साथ में बताओ कैसा रहा है पहला पेपर। आसान आया था? बहुत आसान आया था, बहुत बढ़िया। बहुत आसान भी नहीं, बहुत टफ भी नहीं, मतलब मीडियम कह सकते। मतलब मीडियम, मतलब अगर कहा जाए कि तीन ग्रेड आपको देना है कि टफ फॉर ए, बी फॉर मीडियम एंड सी फॉर वेरी इजी। बी कर सकते, बी आपके लिए भी बी रहेगा, मॉडरेट। बिल्कुल बी रहेगा। तो मतलब ऐसा मॉडरेट आया था तो, और खासकर करंट वगैरह के लिए कहाँ से क्वेश्चन निकाले गए थे? तो 2022 और 23 हाँ, मतलब वही लास्ट सिक्स मंथ वाला ही था। लास्ट सिक्स मंथ, हाँ हाँ वही। अच्छा, लास्ट सिक्स मंथ वाला था। तो सर कैसे क्वेश्चन रहे, करंट के कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस एस्पेक्ट से? सर करंट को नहीं, जैसे अवार्ड पूछा था, सरस्वती अवार्ड, फिर फेस्टिवल जो गोवा में हुआ है, फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय, फिर स्पेन और मतलब मुक्केबाजी में प्रथम और द्वितीय कौन हुआ था। मतलब कि आपके पुरस्कार से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि कैसा सीडीपी का पेपर कैसा था, क्या टफ आया था? बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। अच्छा, तो आप लोग सभी लोग जो है अभी पीआरटी का पेपर दे के आए हैं, तो आप सबको क्या लगता है कि ये पेपर कैसा रहा इस बार, क्या स्कोर, क्या कट ऑफ, क्या अंदाजा लगा? लग रहा है ज़्यादा ही होगा इस समय, क्योंकि पेपर नॉर्मली आया था। नॉर्मल पेपर था, नॉर्मल पेपर था। ओके 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 ओके, ठीक है, नॉर्मल पेपर था। आप लोगों ने भी पेपर दे दिया है? अभी नहीं, शाम को बताएंगे, ठीक है। आप लोगों ने मैम पेपर दे दिया है? अभी नहीं दिया। अच्छा अच्छा, आपने दे दिया है मैम पेपर? नहीं, ओके। तो साथियों जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पर अभी और जानने की कोशिश करते हैं कि सीडीपी में खासकर कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कुछ एस्पेक्ट बताइए। सब जगह नॉर्मल टॉपिक आया था, मतलब ज़्यादा कुछ आया नहीं था। पेडागोजी आया था उसमें ज़्यादा, पेडागोजी को इसको ऑप्शन था, मतलब उस तरह का पेडागोजी मतलब सही था, पेडागोजी सही था। और आपके ये जो इन्वायरमेंट वगैरह के एस्पेक्ट से थे, कैसा क्या लग रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के? ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से दो तीन क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी से आए थे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे ज़्यादा फंसे थे मैम? एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ज़्यादा फंसे थे हिंदी में भी, जो पूछा गया था ना, एक एनसीईआरटी चैप्टर से हिंदी में भी पूछा गया है। अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी, ठीक है। आप भी बैग लेते रहिए अपना और बताते रहिए। मैम आपने भी पेपर दे दिया है, हाँ, तो प्लीज़ ये बताने की कोशिश करिए कि आपका जो 2020 का एनईएफ था, इससे क्या था? इससे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, मतलब कि। और एनसीईआरटी के क्या क्वेश्चन रहे? एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन थे। करंट के कोई क्वेश्चन बच्चों को आप बताना चाहें, अगले शिफ्ट में अपने साथियों को बताना चाहें कि, तो फिर बताइए प्लीज़, कोई क्वेश्चन अगर आप जान रही हैं। क्वेश्चन यानी नवंबर से, नवंबर 2022 का था और उससे पहले का भी था करंट। इजी टू मॉडरेट पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। ओके, तो ठीक है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन रहा। तो सर आपका पेपर कंप्लीट हो गया, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था, तो मतलब कितना क्या कह सकते हैं पेपर के बारे में, कैसा, मॉडरेट था, इजी था, टफ था? पेपर नहीं मॉडरेट था, नहीं जितना था, नॉर्मल था पेपर, नॉर्मल था, नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल से अब मान सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्लिष्टता नहीं था, ठीक था, सही था, और कोई दिक्कत नहीं, सभी सब्जेक्टों का ही हाल रहा है। कुछ क्वेश्चंस आगे कुछ गेस कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है, कुछ रिमेम्बर, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं बताना पसंद करें? अभी तो अभी मीडिया के सामने नहीं, एस्पेक्ट कोई क्या, एस्पेक्ट मैथ में परसेंटेज ले लीजिए या ये सब चीज़ें जो आती अच्छा, हैं अच्छा। बाकी पेडागोजी वही सब चीज़ें हैं अच्छा। जो ह्यूमन, ठीक है। तो करेंट के कुछ क्वेश्चंस बताना पसंद करेंगे कि कहाँ किस क्षेत्र से पूछे गए? करेंट में जो है देखे जाए तो सरस्वती सम्मान मान से क्वेश्चन आया था कि हाल ही फिलहाल में कौन सा सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान वगैरह से पूछे गए। ओके ओके, सो सर पेपर हो गया आपका? मेरा नहीं। अच्छा आपका नहीं था, तो आप लोगों ने पेपर दे दिया, कैसा लगा पेपर दे? पेपर अच्छा हुआ है, काफी अच्छा गया है पेपर। हाँ अच्छा हुआ है। आप लोगों का पेपर कैसा गया? अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ पेपर, ठीक हुआ है। 10 मिनट के, अरे 5 मिनट के लिए करीब लाइट चली गई थी, लाइट चली गई, तो ये समस्या है, मतलब सरकारों का यही हाल है। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि टाइम उसी टाइम से स्टार्ट हुआ एग्जाम, सिस्टम खराब हो, पूरा मिला फिर भी समय पूरा मिला, समय पूरा मिला, समय खराब, ये बहुत ही बढ़िया था। अगर समय पूरा मिला तो बहुत ही बढ़िया था, पेपर भी ठीक, इजी मॉडरेट था, इजी मॉडरेट, इतना मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता। कुछ आपको याद आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन आए एनईपी से, क्वेश्चन न्यू, हाँ एनईपी से काफी थी, काफी क्वेश्चन थे। एनसीईएफ 2005 से भी थे, आरटी 2009 से भी तो क्वेश्चन थे, 2009 से क्वेश्चन थे। और
आठ ही नौ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। और आपका एनसीएफ से, एनसीएफ 2005 से भी थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, हाँ 2020 यानी एनईपी 2020 से लगातार हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहे। तो अगर अगले शिफ्ट में हैं आप लोग तो प्लीज़ जो है दोहरा के ज़रूर जाएँ उसे, ठीक है। और कुछ बताना पसंद करेंगे करंट में क्या क्वेश्चन? दो तीन महीने पहले का आया है, दिसंबर और नवंबर का, अक्टूबर का पूछा हुआ 2022 का, तो करंट एक दो महीने पहले का है। करंट भी ठीक था, करंट भी ठीक था, करंट ठीक था, मतलब करंट में क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं कुछ एक दो याद? एक दो खेल से थे, खेल से थे, बॉक्सिंग थे। कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे रहे? कंप्यूटर क्वेश्चन थे काफी, कंप्यूटर के क्या क्वेश्चन रहे तो भी थोड़ा एक दो याद, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कॉपी पेस्ट था, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड लेवल में तो नहीं पूछ लिया था, बहुत सिंपल था। मैथ, हाँ मैथ बच्चे बहुत, मैथ के लिए बच्चे हमेशा घबरा रहे थे कि भैया मैथ के लिए क्या करेंगे, तो मैथ के लिए सर आप बताइए। मैथ सर बहुत अच्छा है, था बढ़िया, मैथ अच्छा था, मतलब दिल खुश हो गया मैथ देख के, सबसे बेहतर मैथ था, सबसे बेहतर मैथ था। और अच्छा ये बताइए, ये आपकी जो सीडीपी थी, पेडागॉजी थी, तो पेडागॉजी में कैसे क्वेश्चन आए थे? वो भी ठीक था, मतलब ऐसे कोई टफ तो नहीं लग रहा था? नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, वही पेडागॉजी की तो बताया भी, इजी मॉडरेट थी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बढ़िया था, प्रेजेंट ऑफ माइंड के क्वेश्चन थे, मतलब जैसे केवीएस ने अपना पैटर्न देखा वो उसने छोड़ा नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अगले शिफ्ट का रिव्यू आपको फिर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगले शिफ्ट का रिव्यू आपको मिलने वाला है जरूर से जरूर। धन्यवाद साथियों।